हेलो दोस्तों, मैं शपन महतो। तो दोस्तों, तो एलिफेंट जंगल नाम दिया गया क्योंकि यहाँ एलिफेंट का बहुत आना जाना होता है और यहाँ पे रहता भी है। जंगल के एलिफेंट जो कि बहुत बड़ी भी होती है, देखने के लिए अच्छी भी होती है और खतरे भी होती है लोगों के लिए। तो ये जंगल सावधानी से जाना होता है, साथ में गाइड भी लेना होता है और साथ में पानी। और नज़ारा तो कुछ अलग ही देखता है, ऊपर से नीचे के नज़ारा बहुत अच्छी होती है, साथ में विलेज भी दिखाई देती है दूर से। तो चलो पास जाके देखते हैं सड़का पार की खूबसूरती और कितना जाने के लिए रास्ता अच्छा है और कितना जंगल से होके जाना पड़ता है, वो भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं। दादो, ये कड़ा किसका है? तुम्हारा? थोड़ा बताओ हम लोगों को, वीडियो बना रहे ना, हम बहुत दूर तुम्हारे से आए। तो हाँ तो चड़का पहाड़ कितना दूर है यहाँ से? ये वाला चड़का पहाड़ है पूरा? हाँ तो तुम यही के हो कुदना? हाँ ये कड़ा किसका है? सात सातटा कड़ा है? मोस्ट कड़ा ही सात का। चड़का पहाड़ उठने के लिए कितना टाइम लगेगा चढ़ने के लिए? देखो पहाड़ उठे गुजर जाता है, रास्ता से रास्ता ही रास्ता है। 1-1.5 घंटा लगभग लग जाएगा। तो हाँ देख पा रही है, जंगल के काड़ा दादू लेके आया है पत्ते हाँ खिलाने के लिए। हाँ तो वो टॉप में जाएंगे हम लोग, चड़का पहाड़ का टॉप है ये। तो अभी थोड़ा पानी भी आ गया तो हम रुक लेते हैं। दादू थोड़ा हाई कर दो, इधर हाई कर दो, हाथ उठा के ऐसे कर दो। हाँ आशीर्वाद तो दिए दो हमारा के। ठीक है, हेलो। तो यहाँ पे एलिफेंट का जंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जंगल देख पा रहे हो, चारों तरफ इतना खाई भी नहीं है ढाल भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एलिफेंट रहता है। साथ में नीचे पानी है तो पानी पीने यहाँ से ही आती है। तो ये जंगल आना चाहते हैं तो प्रॉपर गाइड लेना बहुत ज़रूरी है। चड़का पहाड़ आना चाहते हैं तो चड़का पहाड़ से जो नीचे का विलेज एरिया है वो भी दिख जाता है, साथ में एलिफेंट भी दिख जाता है। तो 600 से 700 फीट होगा पूरा पहाड़ चढ़ने के लिए, 500 तो होना ही है। तो 500 से 600 फीट अब हम लोगों को जाना पड़ेगा आगे। खाल है मानी गर्त है, और उसी गर्त में वो ब्राह्मण लोग को छोड़ दिया जाता है, और करीब 6 6 घंटा तक वो आवाज़ सुनाई देता है। 6 घंटा मतलब आप लोग सोच ही रहे हो ना कितना गड्ढा है, एक पत्थर दे तो बहुत देर तक आवाज आता है गिरने का डंग 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 तो दोस्तों ये जंगल बहुत अच्छा है देखने के लिए, साथ में चारों तरफ पेड़ पौधे मिलेंगे जो कि इस जंगल की खूबसूरती की और बढ़ाती है। तो
तो वहाँ पे जाके वहाँ पे जो एलिफेंट है साथ में उस जगह में क्या क्या है, मंदिर भी है कि नहीं, और भी पूरा बताएंगे वीडियो में अंतिम में, तो वीडियो में जरूर बना रहे। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही हम लोग और भी अच्छे अच्छे जंगल के वीडियो लाने वाले हैं, जैसे कि पहाड़ चढ़ने की और भी छोटे छोटे जो फॉल्स है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक भी करिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा के रखिए ताकि अगले वीडियो की जानकारी तुरंत पाओ। तो इस जंग